हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमा मेहरा पे, जहाँ पे कि आज हम बात करेंगे बच्चों के दस्त के बारे में। अगर आपके बच्चे को दस्त लग जाए या फिर डायरिया, लूज मोशन जिसे बोलते हैं, वो लग जाए तो आपको क्या घरेलू उपाय करने हैं, क्या तरीके आपको आजमाने हैं, मतलब कि क्या बच्चों को खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, और कितना प्रॉब्लम बढ़ जाए तो हमको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्या अगर लक्षण बच्चे में दिख रहे हैं तो हमको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे। बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों को दस्त लग गए तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चों में पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि जो भी बच्चा खा रहा है, जितना भी ले रहा है, वो दस्त के दौरान निकलते जाता है, तो हमें उस पानी की भरपाई करनी है, हमें शरीर में बच्चे के पानी का बैलेंस बना के रखना है, नहीं तो बहुत नाजुक स्टेज आ जाती है, बच्चों के जान के ऊपर भी खतरा हो जाता है। तो हमको बच्चों का जो पानी का बैलेंस है वो प्रॉपर बना के रखना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको जब दस्त लग गए तो जब उनको दस्त हो रहे हैं तो साथ में उल्टियाँ भी होती हैं, तो जितना उनने लिक्विड लिया था, भले ही वो ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड हो या फिर सॉलिड डाइट पे डिपेंड हो, कोई भी पानी से गंजी वगैरह उन्हें लिया था, वो सारा निकल जाता है। तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, WHO का ORS जो बच्चों के लिए होता है वो उसका घोल जरूर दें जब बच्चे ने लूज मोशन या फिर उल्टी की है, उसके तुरंत बाद हमको बच्चे को देना ही देना है। अगर बच्चा ORS पसंद नहीं करता, उसका टेस्ट पसंद नहीं करता, तो आपको सिकंजी बच्चे को देनी है। एक गिलास में पानी लेके उसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करके, एक चुटकी नमक की ऐड करके, उस पर नींबू निचोड़ के आधा वो आप बनाएं। दूसरा, जो 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं, जो टोटली ब्रेस्ट फीड पे या फिर फॉर्मूला मिल्क पे डिपेंड हैं, उनको आप सिकंजी नहीं दे सकते, तो उनको आप प्रॉपर ORS का घोल ही पिलाएं, जो कि अलग अलग फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर में आता है, वो ज़रूर दें। चम्मच से बच्चों को पिलाएं, जो छोटे 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 बच्चे होते हैं उनको चम्मच के माध्यम से आप पिलाएं, एक एक चम्मच करके, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, और जो भी उसमें पानी की कमी हुई थी, डिहाइड्रेट बच्चा हो गया था, जो भी लिक्विड था वो निकल गया था, तो उसकी भरपाई होगी। आपको याद रखना है कि बच्चे को ज़रूर ORS देना है जब भी बच्चा उल्टी कर रहा है या फिर लूज मोशन कर रहा है, तुरंत उसकी भरपाई आपको करनी ही करनी है। दूसरा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन जो टोटली फीड पे डिपेंड होते हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे, उनको आपको ऐसा नहीं करना है कि ब्रेस्ट फीड छुड़ा देना है, आपको छाती का दूध भी पिलाते रहना है, फीडिंग भी कराते रहनी है, फीडिंग नहीं छुड़वानी है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, जो सॉलिड डाइट पे आ गए हैं, उनको आप क्या क्या दे सकते हैं। नंबर एक, ORS आपको देना ही देना है जब भी बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टी कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, तब उसको ज़रूर देना है। दूसरा, आप अगर बच्चा ORS लेना पसंद नहीं करता तो घर पे भी आप ORS बना सकते हैं, और दूसरा आप सिकंजी दे सकते हैं, सिकंजी मोस्टली बच्चे पसंद भी करते हैं, वो आप दें, और जिससे कि बच्चे की जो पानी की कमी है वो ना हो। साथ में आप खाने में क्या दे सकते हैं, उसको दूध से दूर रखें, जो आप ऊपर का दूध बच्चे को दे रहे थे उससे बच्चे को दूर रखें, ब्रेस्ट फीड करा रहे थे वो कंटिन्यू रखें, पर जो ऊपर का दूध है, गाय का हो, भैंस का हो, या फिर कोई भी दूध हो, आप उसको ना दें, अवॉइड करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। साथ में खाने में क्या दे सकते हैं, पतली दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, प्लस मूंग दाल दे सकते हैं आप, जो नारियल पानी है वो दे सकते हैं, सिकंजी दे सकते हैं टाइम टाइम पे, दही दे सकते हैं, बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो भी इन्फेक्शन है बच्चे के पेट में वो सारा फ्लैश आउट होता है, केला मैश करके दे सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों को ऐसे ही आप केला दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं जिससे बच्चों को राहत मिलेगी। इसके अलावा आप क्या क्या ना दें बच्चों को, जो ऊपर का दूध है वो बच्चों को ना दें, क्योंकि जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं हम उनको ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चे, तो उनको दूध बिल्कुल बंद कर दें कुछ टाइम से, क्योंकि दूध से और ज़्यादा समस्या हो सकती है। दूसरा, सेब है, अनार हैं, ये कुछ फ्रूट हैं जिससे कि बच्चे को और ज़्यादा समस्या हो सकती है, तो ये सारे जो हैं चीज़ों से दूर रहें। केला दे सकते हैं, जो
शिकंजी है वो दे सकते हैं, जो कि बच्चे की जो बॉडी है उसको भी थोड़ा मजबूत करेगी, प्लस जो पानी की कमी है उसे भी दूर करेगी। याद रखें, आपको एकदम से सही नहीं होगा ORS देने से या फिर शिकंजी देने से, धीरे धीरे बच्चे की राहत होगी, 4 से 5 दिन लग जाएंगे इस तरीके से। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो भी ले रहा है उतने बार वो निकाल दे रहा है, यानी कि आप शिकंजी दे रहे हैं, शिकंजी निकाल दे रहा है, ORS दे रहे हैं, ORS निकाल दे रहा है, कुछ भी दे रहे हैं आप निकाल दे रहा है, तो इस केस में आप जरूर डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि बच्चे की सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, जो काफी छोटे बच्चे होते हैं। अगर बच्चे का कम बार हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा है, लूज मोशन कम टाइम हो रहा है, तो आप इन चीज़ों से बच्चे को ट्रीट करें, आप देखें कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ORS देके, शिकंजी देके, केला देके, दही देके, खिचड़ी देके, दाल देके, अगर बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बच्चे की वैसी ही कंडीशन है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कीजिए, जिससे कि बच्चे को राहत होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको एक और बात का ध्यान रखना है, अगर लूज मोशन में ब्लड दिखता है तब भी आपको डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये थोड़ा गंभीर प्रॉब्लम होती है, डिसेंट्री जिसे बोलते हैं, अगर बच्चे को खून भी निकल रहा है पॉटी के साथ, तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके मरोड़े पड़ते हैं पेट में, तो बच्चे की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो इस केस में भी ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे को राहत भी मिल रहा है, बच्चा खा रहा है, वो उतनी बार नहीं निकल रहा है, तो आप ये कंटिन्यू रखें, ORS वगैरह। याद रखें, जब भी बच्चा उल्टी कर रहा है, ORS या शिकंजी हो या फिर नॉर्मल वाटर हो, वो ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे की जो पानी की कमी है वो ज़रूर आप फुलफिल करें। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर कोई भी डाउट है, अभी भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता के जाएं, क्योंकि आपके ही एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और भी हेल्पफुल वीडियो अपलोड करने का। शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हम आगे अपकमिंग वीडियो लाएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।